नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस तरह का थाल पोश बनाएंगे, आप इसे टेबल मैट कहें या प्लेसमेट, जैसे भी आपको सही लगे। और इसे देखिए जी, मैंने सेंटर से शुरू किया है, उसके बाद इस पर सिंपल वाइट कलर का बड़ा सारा सर्कल बनाया है और उसके ऊपर ये फिर बाद में ये इस तरह से सर्कल बनाया हुआ है, ये देखिए। और ये किंगरी की हुई है, इसमें किंगरी बहुत ही बढ़िया है, देखिए इस तरह से दिखाई दे रही है, ये यहाँ से ऐसे इसके फूल बने हुए हैं। और इसे बनाने के लिए मैंने ये वाली ऊन ली है, ये वाली किंगरी बनाने के लिए इस तरह की मल्टी कलर वूल ली हुई है। और ये तो मैंने बना लिया है, जो लेकिन मैं आपको जो बनाना बताऊंगी वो मैं इन दो कलर के साथ बनाऊंगी। बेस कलर इसमें वाइट कलर जैसे इसमें है, ये वाला रखूंगी मैं। और जो ये इसमें मैंने ये तीन कलर से बनाया है, उसके लिए मैं ये वाला मल्टी कलर यूज़ करूंगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं, इसको इधर रख देते हैं। और इसके लिए हम पहले अपना क्रॉस लेंगे। यदि आप मेरे वीडियो पहली बार ही देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पे विज़िट करें, आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो आइए जी, पहले हमने अपना क्रॉस ले लिया है इस तरह से। अब हमने इसमें 1 2 3 4 चेन ली और इसको हमने फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। ये ऐसे आ गया हमारा, इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। और इसको हमने ऊपर से लेना है। ऊपर से लेने का कारण ये है कि ये थोड़ा सा पक्का हो जाता है। और बीच में लेने से अब हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3 थ्री चेन लेंगे। और उसके बाद हमने इसमें बल लेना है, 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। और इसमें हमने लगातार 16 डबल क्रोशेट लेने हैं। आप इसमें अपनी इच्छा से 16 डबल क्रोशेट रखें, 15 रखें, 10 रखें, 20 रखें, ये आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा सर्कल बनाना चाहते हैं। तो ये अपने आपके ऊपर है, जितने भी आप इसमें डबल क्रोशेट रखेंगे आपको आगे भी उसी हिसाब से बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाते हैं। मैं पहले इसमें 16 डबल क्रोशेट रखने हैं तो मैं इसमें 15 ये कंप्लीट करके इस साइड में आके आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें हमने 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट ली और उसके बाद हमने 15 डबल क्रोशेट लिए, तो टोटल हो गए हमारे पास ये 16। अब यहाँ से हमने इसको स्लिप स्टिच से फर्स्ट चेन थी जो हमारी उसके साथ जोड़ लेना है। अब हमने इसमें 1 2 3 चेन लेके हमने यहाँ पे 16 डबल क्रोशेट लिए हैं, तो जो सेकंड राउंड आएगा हमारा उसमें हमने 16 के डबल कर लेने हैं, या जितने हमने इसमें फंदे रखे जितने हमने इसमें डबल क्रोशेट रखे हों उतने ही हमने दूसरे राउंड में कर लेने हैं इसके। यानी जैसे इसमें 16 रखे हैं तो इसमें हम 32 कर लेंगे, 10 रखे हैं तो 20 कर लेंगे, इस तरह से। तो मैं ये आपको कंप्लीट करके फिर आगे दिखा। ये देखिए, यहाँ से हमने 3 चेन ली, इसमें बल लेंगे, इससे आगे जो है हमारा चेन स्पेस उसमें से हमने 2 डबल क्रोशेट लेने, 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट फ्रॉम 1 चेन स्पेस और आगे 1 डबल क्रोशेट फ्रॉम 1 चेन स्पेस, फिर 2 डबल क्रोशेट और पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है हमने। थर्ड रो है ये, इसमें देखिए इस तरह से आएगा, ये हमारी 3 चेन है, 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 1 डबल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर 1 डबल क्रोशेट, पूरी रो इसी तरह से 2 और 1 इस तरह से करनी है। और जो इससे आगे वाली रो आएगी, फोर्थ राउंड आएगा हमारा, उसमें हमने 3 चेन लेनी है, उसके बाद हमने 2 डबल क्रोशेट एक ही चेन स्पेस में से, फिर हमने 2 डबल क्रोशेट सिंगल लेने हैं और फिर हमने 2 डबल क्रोशेट लेने। इस तरह से हमने हर बार में ये सिंगल क्रोशेट जो 1 है हमारा, 1 है, इसे हमने बढ़ाते चले जाना है और हमारा सर्कल बड़ा सारा हो जाएगा। तो मैं ये आपको बड़ा सर्कल बना के और फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये सर्कल बन के तैयार हो गया। यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे, ये कैंची से काट के धागे को, और इसमें हमने इसको बंद कर देना सर्कल को। और अब हमने देखिए, इसमें हमने ये वाली किंगरी करनी है,
ये यहाँ से ये फूल बनाएंगे हम इसका इस तरह से। तो इसमें मैंने देखिए अलग कलर लिया हुआ है, इसके लिए मैं कलर ये वाला ले रही हूँ। तो आइए जी इसे हम शुरू करते हैं यहाँ से। इसके लिए देखिए अब हमने पहले इसमें ये वाला नीचे से ये स्पेस बनाना है इसका यहाँ से। तो इसके लिए हम ये क्रोशेट हुक से ये सर्कल को हम जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं, ये अपनी इच्छा है कि आप इसको कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम कहीं से भी लें एक ही बात है। तो ये इसमें से हमने इसको गांठ लगा लेते हैं इस तरह। और अब देखिए हमने यहाँ से इसमें एक दो तीन तीन ये चेन ले ली हमने, ये हम थ्री चेन ऐसा डबल क्रोशेट और स्पेस के लिए हमने टू चेन ली, फाइव होगी टोटल। हमने फाइव चेन ली, बल लेने ये देखिए यहाँ से हमने फाइव चेन ली है, बल ले लिए हमने। और अब हमने ये टू चेन स्पेस छोड़ देने वन टू थर्ड वाले में से, यहाँ से वन डबल क्रोशेट, फिर हम रिपीट करेंगे टू चेन बल लेने और ये वन टू टू ये छोड़ के थर्ड में से इसमें से वन तरह से कंप्लीट करेंगे और ये टू छोड़ देने हैं थर्ड वाले में से इस तरह। अब आगे हमने टू डबल क्रोशेट टू चेन स्पेस छोड़ दिए और थर्ड में से ये इस तरह से, ठीक है जी। अब मैं ये आपको पूरा कंप्लीट करके यहाँ तक यहाँ पे आके फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने पूरा राउंड इसमें इस तरह से कर लिया और अब मैं यहाँ से इसमें टू चेन और देखिए यहाँ से हमारा ये हमने फाइव चेन ली थी पहले, पांच चेन ली थी, तो यहाँ से वन टू थ्री थर्ड चेन में से इसमें से हमने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से और ये ऐसे दिखाई देगा। अब हमने इसमें ऊपर यहाँ टू चेन ली थी तो अब हम यहाँ पे इसमें वन टू और थ्री थ्री चेन लेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप इसको इसमें नीचे भी थ्री चेन रखना चाहते हैं और ऊपर भी, ये चेन का आप अपने हिसाब से देखेंगे कि इसमें झोल नहीं पड़ना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे टू चेन रखी थी और मैं ऊपर इस वाले उसमें थ्री चेन रख रही हूँ। तो थ्री चेन लेने के बाद हमने इसमें यहाँ से इसको जोड़ना है स्लिप स्टिच, इसमें सिंगल क्रोशेट करेंगे इस तरह से लिया और ये यहाँ से सिंगल क्रोशेट कर दिया। अब हम घूम जाएंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पे थ्री चेन लेनी है, वन टू थ्री थ्री चेन ले ली हमने, बल लेने और ये जो हमने बनाई है थ्री चेन वाला चेन स्पेस, इसमें हमने लगातार एट डबल क्रोशेट बनाने हैं। थ्री चेन एज अ डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। आगे हमने एक कर लिया, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब देखिए ये हमारे इस वाले पोर्शन में एट डबल क्रोशेट हो गए, ठीक है जी। अब देखिए इसको हमने यहाँ से इस तरह घूमेंगे और ये जो हमारा नीचे का चेन स्पेस है ये वाला, ये देखिए ये इसमें हमने इसको आगे की तरफ रखेंगे और बल लेके इसमें हमने फाइव डबल क्रोशेट करने, वन टू थ्री फोर और फाइव, ये हमने फाइव डबल क्रोशेट कर लिए। अब हम इस तरह से घूम गए, देखिए ये ऐसे आ रहा है हमारे पास एट डबल क्रोशेट ऊपर की साइड में और फाइव डबल क्रोशेट साइड की में। अब हमने इनको यहाँ से जहाँ से हमने सिंगल क्रोशेट किया था, देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशेट किया था, यहीं से फिर से हम इसमें हुक डालेंगे और अपना यहाँ से इसको इस तरह से कस लेंगे और ये हमने सिंगल क्रोशेट कर लेना है, ठीक है जी। देखिए इस तरह से आ गया हमारे पास, जैसे हमारा ये बना हुआ है, देखिए
जैसे ये बना हुआ वैसे ही हमारा ये बन गया। अब हमने फिर से देखिए इसी तरह से करेंगे। अब हम इसमें यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 थ्री चेन ली। अब हमने यहाँ पे इसको इस तरह से सिंगल क्रोशेट करना है। ये आप डबल में से लीजिए, नीचे जो है यहाँ से सिंगल क्रोशेट करना है। अब देखिए घूम के हम एक बार यहाँ से 8 डबल क्रोशेट करेंगे और उसके बाद हमने ये जो पोर्शन है हमारा इसमें हमने 5 डबल क्रोशेट करना है। तो कैसे करेंगे ये देखें, घूम गए हम यहाँ से। अब इसमें 1 2 3 चेन और बल लेके हमने लगातार 7 डबल क्रोशेट करने हैं और टोटल हमारे पास हो जाएंगे 8 डबल क्रोशेट। 3 4 5 6 7 8 ठीक है। अब देखिए हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बारी हमने ऊपर जो 3 चेन बनाई है उसमें करना है और एक बारी हमने यहाँ पे करना है। जैसे हमने यहाँ पे किया था ये वाला पोर्शन, अब हमने ये उठाना है यहाँ से और इसको बल लेके और इसके अंदर से यहाँ से 5 डबल क्रोशेट करेंगे, 1 2 3 4 5। ये आप अपने हिसाब से जो डबल क्रोशेट हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब देखिए 8 डबल क्रोशेट ये वाले हैं, 5 ये वाले हैं, तो ये हमने यहाँ से इस तरह है। देखिए अब हम इसको यहाँ से देखिए इसमें ये जो चेन स्पेस है जहाँ से हमने सिंगल क्रोशेट किया था इसके अंदर से हमने हुक लेनी है। इसको बाहर की तरफ करते हैं, अंदर से इस तरह हुक लेंगे और यहाँ से हमने सिंगल क्रोशेट बना लेना है इसको कसते हुए। ये देखिए ऐसे ये हमारे पास इस तरह से बन गया। देखिए कितना सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बन गया ही हमारा इस तरह। अब हमने फिर से वैसे ही करना है, ये जो हमारा चेन स्पेस है इसमें हमने 1 2 3 चेन लेके यहाँ से इसको इस तरह से जोड़ लेंगे सिंगल क्रोशेट के साथ, घूम जाएंगे और 3 चेन लेंगे। फिर 1 2 3 थ्री चेन लेके हमने यहाँ से 8 डबल क्रोशेट करने हैं, 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट और फिर 7 डबल क्रोशेट, टोटल हो गए हमारे पास 8 डबल क्रोशेट। 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, तो 8 बनाने हमने। तो अब देखिए ये यहाँ से ऐसे है इस तरह। अब हमने ये वाला डबल क्रोशेट उठाना है और इसमें से करेंगे, जब हम यहाँ से जोड़ लेंगे तो हम 3 चेन लेके यहाँ आएंगे और फिर इसमें 8 डबल क्रोशेट करेंगे और फिर हमने ये वाला उठा के बुनना है। तो अब हमने ये बुनना है तो इसमें हमने 5 डबल क्रोशेट करने हैं, 1 2 3 4 5। देखिए कितना आसान है ये। और ये यहाँ से जहाँ से हमने पहले सिंगल क्रोशेट किया था वहीं से फिर से सिंगल क्रोशेट कर लेना और कस देना इसको बस। जी बन गया, ये देखिए ये हमारे पास इस तरह से बन गया। अब ये मैं आपको सारा राउंड राउंड बना के यहाँ से और यहाँ पे आके फिर बताती हूँ कि आगे हमने ये वाला पोर्शन कैसे बनाना है, ये जो इस कलर से बना हुआ है। तो ये कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं। ये इस तरह से है बना हुआ, वही तरीका चल रहा है हमारा। तो यहाँ से हमने इसकी फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ली। अब देखिए जो हमने यहाँ पे आपको याद होगा कि 5 चेन ली थी, यहाँ से हमने इसको 3 चेन के साथ जोड़ा था,
ये इधर से, तो हमने यहीं से इसको इस तरह से सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देना है। ठीक है जी, ये देखिए ये यहाँ जोड़ा मैंने, ये इधर इस साइड से जाए। यहाँ से हमने फिर थ्री चेन लेनी, वन टू थ्री, थ्री चेन और एट डबल सेवन डबल क्रोशेट, थ्री चेन एज अ डबल क्रोशेट, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट। अब देखिए हम यहाँ से इसमें इसको पकड़ेंगे, ये वाला है पोर्शन हमारा, इसको पकड़ना है और ये यहाँ से अकेला रहेगा ये। अब इसको यहाँ से पकड़ के और ये वन टू थ्री फोर और फाइव, इस तरह से ये हमारा ऐसे आ गया। अब देखिए इसको हमने फिर इसी से जोड़ना है, जो यहाँ पे हमने जहाँ पे सिंगल क्रोशेट किया था पहले, वहीं से इसको इस तरह से जोड़ देंगे, ऐसे कस लेते हैं और इसे इस तरह जोड़ देंगे। अब हम धागा तोड़ेंगे इसका और इस तरह से, ये देखिए ये हमारा यहाँ से ऐसे आ गया। यहाँ से बिल्कुल पता नहीं लग रहा है, इस धागे को हम सुई में डाल के अंदर की तरफ कर देंगे तो ये सीधी साइड से ऐसा दिख रहा है, उल्टी साइड से ऐसा दिख रहा है। तो देखिए अब हमने ये सेंटर वाली ये कढ़ाई करनी है इसमें, इसके लिए हम धागा लेंगे, धागा हमने वही लेना है जो हमने इसके जिससे हमने ये बाहर की है किंगरी की है ये वाली बनाई है। और ये हम धागा इसमें मैंने सुई में धागा डाल लिया। अब मैं इसको बैक साइड से इस तरह से थोड़ा सा पक्का कर लेते हैं, गांठ लगा लेते हैं इसकी हम इस तरह बैक में और ये यहाँ से ऐसे। देखिए अब हम यहाँ से धागे को अंदर की तरफ निकालेंगे, ये लेके आ गई मैं सेंटर से यहाँ पे इस तरह। देखिए ये सेंटर है इसका और ये यहाँ से पहले राउंड के पास लेके आई हूँ इसको, और यहाँ से हमने देखिए यहीं से इसमें एक ही जगह से दो डबल क्रोशेट के बीच में से लेते हुए इस तरह से करेंगे यहाँ से। अब इसको धागे को इस हाथ अंगूठे से दबा लीजिए और ये जो हमारी सुई है वो गोलाई में इस तरह से आगे की तरफ आनी चाहिए। देखिए ऐसे ये धागा इस तरह से आना चाहिए और अब फिर से वैसे ही ये इस तरह से, ये दो दो के उसमें करते जाइए यहाँ से ये इधर। देखिए ये ऐसे दिखाई देगा और आगे हमने फिर से वैसे ही यहाँ से लेंगे और ये इस तरह, ये देखिए अब हमने इसमें ये वाला पहला राउंड ख़त्म कर लिया। अब ये इधर से हमारा यहाँ से इसको ये ऊपर दूसरे राउंड के ये यहाँ से निकालेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे निकाल दिया और धागे को, और इसको अब इस तरह से आगे की तरफ रखते हुए ये दो डबल क्रोशेट के साथ इस तरह से ये हम सारा इसी तरह से गोलाई में बनाते जाएंगे। और जब पूरा बना के यहाँ पे ख़त्म कर देंगे फिर यहीं से हमने इसमें थर्ड वाले उसमें निकाल लेना है धागा ऊपर की तरफ और इसे इस तरह से हम ये सारे राउंड कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए, ये हमारा इस तरह से राउंड राउंड बन के ये तैयार हो गया। ये मैं यहाँ पे इसके अखीर में हूँ, तो यहाँ से बताती हूँ आपको। ये इस तरह से थोड़ा सा रहता है, ऐसे। और जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे लेते हुए इसको आप चाहें तो इसे बीच में ही राउंड में रख सकते हैं, या एक लाइन छोड़ के, जैसे भी आप इसको अपनी इच्छा से डेकोरेट करना चाहें या मॉडिफाई करना चाहें, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। मैंने इसमें सुई धागे से किया है इस तरह से। ये देखिए, मैं इसकी फर्स्ट उसमें पहुंच गई। यहाँ पे आने पे हमने इसमें यहाँ से लेना है और आप देखिए, जब हम इस तरह से लेंगे यहाँ से, तो हमने ये हमारा इधर ऐसे होगा, तो हमने इसको सुई को जो है वो यहीं से नहीं निकालना, कहीं से नहीं, इसको आगे से निकालना है। ये देखिए ऐसे, ये इस तरह से आ गया, और हम पीछे से इसको ऐसे बंद कर देंगे। इस तरह से बनके ये तैयार हो गया। इसे हम, मैंने इसमें देखिए इस तरह से बनाया हुआ है, और एक मैंने और इस तरह से एक ही कलर के साथ बनाया हुआ है। इसमें हमारे पास मल्टी कलर है। इसमें देखिए, ये इस तरह से है और ये इस तरह से है। तरीका इनका एक है, ये थोड़े छोटे बने हुए हैं और ये बड़ा बना हुआ है। उम्मीद है आपको ये बनाना आसान लगेगा। थालपोश, टेबल मैट तो और पसंद आएगा। तो मिलते हैं जी अगले वीडियो में। धन्यवाद।